Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hello students, it's MK Singh and welcome to the platform of Edurise India. देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था और उसके एप्लीकेशंस को पढ़ा था. अब हम लोगों को स्टार्ट करना है रिजोनेंस. ठीक है, रिजोनेंस का स्टार्ट करते हैं. रिजोनेंस इसको हम लोग कहते हैं रिजोनेंस और मेसोमेरिज्म, दोनों ही नाम होता है इसका. ठीक है, थोड़ा सा मिन्यूटली डिफरेंस है बट रिजोनेंस मेसोमेरिज्म एक ही तरह का इफेक्ट लेकर चलते हैं. देखिए रिजोनेंस का कंसेप्ट आया कैसे, रिजोनेंस का कैसे कंसेप्ट आया, तो पहले देख लीजिए. यहां स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि समटाइम्स ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर. सिंगल स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, लिविस डॉट स्ट्रक्चर. जो हम लोग लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, नॉर्मल जो कोवेलेंट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल का, उस सिंगल स्ट्रक्चर से ना बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी सारी प्रॉपर्टी हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उसका केमिकल प्रॉपर्टी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है. तो ऐसा कंसीडर किया गया कि निश्चित रूप से ये मॉलिक्यूल्स जो है ना किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, कुछ और फॉर्म अपना रखते हैं जिसको हम लोग कह देते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर या जिसको हम लोग कह देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. खैर ये आगे देखिए कि नॉट एक्सप्लेन्ड बाय सिंगल स्ट्रक्चर देयरफॉर टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड मोर देन वन स्ट्रक्चर इज डिपिक्टेड. वन एंड मोर स्ट्रक्चर इज एक्सप्लेन्ड, वन और मोर स्ट्रक्चर उसका बनाया गया इज मेड, बट दिस ऑल आर इमेजिनरी एंड हाइपोथेटिकल. वो जो स्ट्रक्चर बनाया गया मॉलिक्यूल के लिए वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है या इमेजिनरी स्ट्रक्चर है. द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज इन बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स, इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बिटवीन उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर माना जाता है. द स्ट्रक्चर ड्रॉन टू द एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं. एंड द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड. जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग कह देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड. देखिए ये तो लैंग्वेज है, लिखा हुआ है, बट ऐसे आपको समझना है कि बहुत सारा ऐसा प्लेनर मॉलिक्यूल है, बहुत सारा प्लेनर मॉलिक्यूल. प्लेनर मॉलिक्यूल किसको कहते हैं हम लोग, sp2 हाइब्रिडाइज्ड जिसमें एटम्स हैं. ठीक है, जिसके सारे एटम्स एक ही प्लेन में हों. तो बहुत सारे ऐसे प्लेनर मॉलिक्यूल हैं जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल बिहेव जो होता है उसके सिंगल स्ट्रक्चर से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं. तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर उसका बनाया जाता है. ठीक है, जो स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये माना जाता है कि ये जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं के बीच में इसका कोई रियल स्ट्रक्चर है. ठीक है, जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको हम लोग कह देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कह देते हैं, और जो इसका रियल स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको हम लोग कह देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड. ठीक है, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रेजोनेंस. इसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस. ठीक है, एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे. देखिए जैसे मान लीजिए हमने रिएक्शन एक कराया, एक मॉलिक्यूल दे दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2. दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड 1,3-ब्यूटाडाईन, ब्यूटाडाईन. दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर. ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है. आप देख सकते हैं प्लेनर हम लोग उसी को बोलते हैं जिसके ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्गेनिक में ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. देखिए sp2 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 sp2,
सबका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 है। अब इसका रिएक्शन हमने HCl से कराया, ठीक है ना। ये दो प्रोडक्ट देता है, एक प्रोडक्ट जो इसका आया वो प्रोडक्ट था इस तरह का, और दूसरा जो प्रोडक्ट आया इसका वो इस तरह का प्रोडक्ट आया, इस तरह का प्रोडक्ट आया। अब सब लोग ना ये कंफ्यूजन में पड़ गए कि अरे यार ये रिएक्शन हुआ कैसे। अब देखिए, ये तो एक पोलर एजेंट है, पोलर एजेंट है ये, ठीक है ना। ये एक पोलर एजेंट है, पोलर एजेंट जो होता है वो कैसे डिसोसिएट करता है, वो डिसोसिएट करेगा कटायन और अनायन में, H+ और Cl-। अब ये बताइए ये मॉलिक्यूल कैसा, एकदम कोवेलेंट है, ठीक है। तो कोई पोलर एजेंट आखिर इससे कैसे रिएक्शन कर सकता है भाई। यहां भी पोलैरिटी अगर होता तब ना, जैसे यहां पे मान लीजिए प्लस होता, ठीक है ना, तो Cl- को जोड़ देते, यहां पर माइनस होता तो H+ को जोड़ देते, ऐसा करते तब ये मॉलिक्यूल एक्सप्लेन कर सकते थे हम लोग। मगर ये तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और पोलैरिटी है भी नहीं। आपको पता है कि CH बॉन्ड जो होता है स्टैंडर्ड बॉन्ड होता है, और सब जगह CC बॉन्ड है, वो भी नॉन पोलर बॉन्ड है। तो ये रिएक्शन कैसे होगा, किस तरह से ये रिएक्शन हो सकता है। तो भाई ये जो स्ट्रक्चर है इस केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है। तब ऐसा माना गया कि निश्चित रूप से ये जो मॉलिक्यूल है और भी डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, कुछ इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं इसके, कुछ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं इसके, और वो स्ट्रक्चर बनाया गया। वो स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया, इस पाई इलेक्ट्रॉन, चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है हम लोगों को पता है कि लूज इलेक्ट्रॉन है, लूज पैक्ड इलेक्ट्रॉन है, आसानी से डिस्प्लेस हो सकता है। तो एक स्ट्रक्चर इसका बनाया गया इधर ऐसे, ठीक है, वो स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया इसका, एक ये वाला स्ट्रक्चर बना, यहां पे प्लस और यहां पे CH2-, ठीक है। फिर दूसरा स्ट्रक्चर इसके लिए बनाया गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया गया। देखिए एरो जो होता है ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, अगर एरो बॉन्ड पे जा रहा है तो इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अगर एरो एटम पे जा रहा है तो उसका मतलब वहां पे नेगेटिव चार्ज, जहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वहां नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो देखिए ये बॉन्ड पे गया तो दूसरा स्ट्रक्चर इसका ऐसा बना दिया गया, CH2+ CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे CH2-। देखिए दो स्ट्रक्चर्स बनाए गए, किस मॉलिक्यूल का है, इसी मॉलिक्यूल का है। अब ये मॉलिक्यूल दोनों मॉलिक्यूल को डील कर रहा है, दोनों प्रोडक्ट को ये डील कर रहा है कैसे। तो देखिए यहां पे प्लस है, ये हम जानते हैं पोलर एजेंट कैसे ब्रेक हुआ होगा माइनस और प्लस में, तो ये माइनस आके यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। यहां पर देखिए माइनस है तो ये एच प्लस आके यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल हमारा डिस्क्राइब हो गया। सेकेंड मॉलिक्यूल कैसे डिस्क्राइब करेंगे, देखिए यहां पॉजिटिव बना यहां नेगेटिव बना, तो यहां पे H+ को जोड़ दिया और यहां पे क्लोरीन को जोड़ दिया, तो ये सेकेंड प्रोडक्ट बन गया। तो ऐसे भी इसका नाम हम लोग देते हैं 1-2 एडिशन प्रोडक्ट है ये, इसको हम लोग कहते हैं 1-2 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट। और इसको हम लोग कहते हैं 1-4 एडिशन प्रोडक्ट, वन फोर एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए भाई सिंगल स्ट्रक्चर तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना प्रॉपर्टी इसका, केमिकल प्रॉपर्टी जो है, कौन एक्सप्लेन कर रहा है इसका जो है, ये वाला स्ट्रक्चर कर रहा है जो कि हाइपोथेटिकली बनाया गया है, रियल इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। इसलिए स्ट्रक्चर ए और बी, ये जो बनाया गया ए बी को हम लोग कह देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका नाम देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसको कह देते हैं, ठीक है।
ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। फिर इसके लिए एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाया गया जिसको रेजोनेटिंग हाइब्रिड कहा गया। इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर के बीच में वो क्या हो रहा है, वो स्ट्रक्चर बन रहा है, इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, तो देखिए हमने ऐसे बना दिया इसको, CH2CH और यहां पे डॉट डॉट दिखा दिया, डॉट 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 डॉट। इसका मतलब है कि पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है, वो क्या हो रहा है, अलोंग द चेन पाई इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, हमेशा अलोंग द चेन क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ, इन दोनों स्ट्रक्चर का एक रियल स्ट्रक्चर हुआ ये, ठीक है ना, ये रियल स्ट्रक्चर हुआ इन दोनों का, तो इसका नाम दे दिया गया रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेटिंग हाइब्रिड इसको कह दिया गया। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको सबसे स्टेबल माना गया, स्टेबलेस्ट स्ट्रक्चर इसको कहा गया, स्टेबलेस्ट स्ट्रक्चर इसको कह दिया गया। ठीक है, तो ये है रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इसमें हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, चूंकि देख रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन का जो है मूवमेंट बार बार होते जा रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अलोंग द चेन, ठीक है ना, तो इसी बात को ये स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है। दैट इज व्हाई ये जो स्ट्रक्चर है इन सारे स्ट्रक्चर्स को बता रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो इसी का नाम हमने रेजोनेटिंग हाइब्रिड रख दिया, ठीक है ना। और इसी फिनोमिनन को कह देते हैं हम लोग रेजोनेंस, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, रेजोनेंस आप समझ गए कि रेजोनेंस किसको कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे कराते हैं। तो पहले सम पॉइंट्स, दूसरे स्लाइड में कुछ पॉइंट्स हैं रेजोनेंस के बारे में जो जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए पहला पॉइंट है कि कभी भी रेजोनेंस का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड डिफर ओनली इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी का तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, एटम की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती है। एटम जहां पर है वहीं पर रहेगा, एटम एंड न्यूक्लियाई जहां पर है वहीं पर रहना है उसको, उसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है। सिर्फ किसका पोजीशन चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करता है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, बात समझ रहे हैं, एटम का नहीं, न्यूक्लियस का नहीं, उनकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करेगी। सेकेंड देखिए, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम इन ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स। जो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर रहेगी, हमेशा उतना ही रहेगा ओवरऑल। जैसे किसी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या किसी में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो वो संख्या एकदम फिक्स्ड रहेगी, उतना ही रहना है हमेशा, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो फिक्स्ड संख्या है, वो एक अनपेयर्ड है तो एक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, द वेरियस फॉर्म्स इन विच द ऑक्टेट रूल इज वैलिडेटेड फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड आर नॉट कंसिडर्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे इस लाइन को, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल अभी देंगे, उस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है कि ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस शुड बी प्रेजेंट इन सेम प्लेनर, सेम प्लेन। तो हम लोग इसका भी एग्जाम्पल से समझेंगे, बट ये बात को समझ लीजिए कि रेजोनेंस के लिए, रेजोनेंस उसी में होता है जहां पे मॉलिक्यूल प्लेनर हो। प्लेनर का मतलब हर एक एटम्स जो है एक ही प्लेन में हो, ये प्लेनर मॉलिक्यूल में होता है और उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेटिव मॉलिक्यूल, प्लेनर मॉलिक्यूल या कॉन्जुगेटिव मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखिए
हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझेंगे भाई इन दोनों बात जो है, दोनों बात दोनों को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आपने रेजोनेंस करना है, रेजोनेंस बनाना है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन करना है। मान लीजिए आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा है, ठीक है। अब देखिए इस पाई इलेक्ट्रॉन को अगर शिफ्ट करा रहे हैं हम लोग ऐसे, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट कराया गया अगर, ठीक है, तो देखिए तो यहां पे क्या बन जाएगा, क्रायोजेनेटिक स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो ऐसा बन जाएगा ना, प्लस यहां पे आ जाएगा सी एच डबल बॉन्ड एन, ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, ऐसा हो जाएगा। तो ये बताइए क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? नाइट्रोजन कभी पांच बॉन्ड बना ही नहीं सकता है, नाइट्रोजन कभी भी पांच बॉन्ड नहीं बना सकता है, इसलिए कि नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड में कभी एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, ऑर्बिट बढ़ नहीं सकता है ना। सेकेंड पीरियड में क्या पाया जाता है? एस और पी पाया जाता है। तो मैक्सिमम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकता है? एट से ज्यादा नहीं रख सकता है। बट यहां पे देखिए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं इसके पास, दो, दो चार, दो छह, और यहां पे देखिए चार है, तो टोटल दस इलेक्ट्रॉन है। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है? कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका नहीं हो सकता है, कभी भी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका नहीं हो सकता है। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ऐसा दे दिया जाए, यहां पे हमने फॉस्फोरस दे दिया, फॉस्फोरस दे दिया, देखिए ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है ये, और ये कहां पे है, किसका है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अब यहां पर देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहां पे हमने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का ही डिस्प्लेसमेंट होता है जिससे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए, तो ये करेक्ट है या नहीं है बताइए? ये तो करेक्ट होना ही है भाई, ये तो करेक्ट किसी भी हाल में होना है, क्योंकि फास्फोरस जो होता है एक्सपेंडेड ऑर्बिट कर सकता है, एक्सपेंडेड कॉन्फ़िगरेशन बना सकता है अपना, ठीक है ना। फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है इसमें, थर्ड पीरियड में क्या होता है, हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो ये तो 10 इलेक्ट्रॉन तो रख ही सकता है ना, जब वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो होल्ड कर सकता है 10 इलेक्ट्रॉन को, आराम से कर सकता है, क्योंकि थर्ड पीरियड में 3s फुल हो जाए, 3p फुल हो जाए, 3d तो है, 3d में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, बट ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पीरियड में क्या होगा? नो वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, ये डी ऑर्बिटल वेकेंट इसमें नहीं हो सकता है। बात को समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? अब देखिए सेकेंड, ये तो सेकेंड वाला हमारा पॉइंट था, थर्ड वाले पॉइंट में दिया हुआ था कि भाई रेजोनेंस किस में होता है? प्लेनर मॉलिक्यूल में होता है, रेजोनेंस आकर इन प्लेनर मॉलिक्यूल। तो देखिए प्लेनर मॉलिक्यूल या कॉन्जुगेटिव सिस्टम भी उसको कहते हैं, तो रेजोनेंस आकर इन प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है, प्लेनर मॉलिक्यूल और इन कॉन्जुगेटिव मॉलिक्यूल कहते हैं, कॉन्जुगेटिव मॉलिक्यूल और सिस्टम, और सिस्टम, और सिस्टम,
कॉन्जुगेटिव मॉलिक्यूल होना चाहिए या कॉन्जुगेटिव सिस्टम होना चाहिए? देखिए, प्लेनर मॉलिक्यूल आप कह रहे हैं, प्लेनर मॉलिक्यूल मतलब कि हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी उसी को कहते हैं जो प्लेनर होता है, ठीक है ना, या उसी को कॉन्जुगेटिव सिस्टम कहते हैं। तो रेजोनेंस जब भी होगा कॉन्जुगेटिव सिस्टम में होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रेजोनेंस अकर इन प्लेनर मॉलिक्यूल और इन कॉन्जुगेटिव मॉलिक्यूल और सिस्टम, ठीक है। देखिए, अब हम लोगों को पढ़ना है कॉन्जुगेटिव सिस्टम, कहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, कहां पे रेजोनेंस आप जो है फिनोमिनन कराते हैं। क्योंकि रेजोनेंस एक बहुत बड़ी बात है कि चार्ज का क्रिएशन हो रहा है, पॉजिटिव और माइनस बन रहा है, ठीक है ना, जिससे उसके केमिकल रिएक्शंस को हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटिव सिस्टम, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटिव सिस्टम। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटिव सिस्टम फर्स्ट है, एक तो आपने देख लिया कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट अगर रहेगा, डबल बॉन्ड अल्टरनेट रहेगा तो उसको हम लोग कॉन्जुगेटिव सिस्टम कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बनाया 1,3-butadiene में बनाया। अब देखिए, ये बेंजीन में भी तो यही स्थिति होती है, ये बेंजीन है, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, और ये मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर है। तो ये अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं, तो देखिए पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे। देखिए कॉन्जुगेशन है ना, पाई इलेक्ट्रॉन और दूसरा वाला पाई इलेक्ट्रॉन दोनों सेम प्लेन में ही है, तो आसानी से ना उनका बंटवारा हो जाता है, ठीक है। अभी इसको समझेंगे भी कैसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या बन जाएगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा ना इसका माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस, जो बॉन्ड जैसे था वैसे ही दे देंगे। फिर देखिए पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता जाएगा, ठीक है। यहां पे बॉन्ड बन गया, यहां माइनस आ गया, ये बॉन्ड जहां था वहीं रह गया, जहां पे प्लस है वहीं पे रह गया। फिर देखिए ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा इसका, यहां पर माइनस, यहां पे बॉन्ड, यहां बॉन्ड था ही प्लस, ऐसा। फिर माइनस जो है यहां पर, ऐसे, ठीक है। ये सारे जो बन रहे हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं ये। तो ओवरऑल हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि देखिए डबल बॉन्ड कहां से शुरू किया था, यहां से। अभी डबल बॉन्ड कहां पे, लास्ट स्ट्रक्चर में यहां पे है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए ना, ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए, ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए, और इसी का रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बना देते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका बेंजीन का रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है। अब देखिए ये मूवमेंट के पीछे क्या लॉजिक है, कैसे मूवमेंट हो रही है, कैसे ये चार्ज को क्रिएट कर रहे हैं, कहीं बॉन्ड बना दे रहे हैं, कहीं चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा होता है फिनोमिनन इसमें, जैसे अभी हम लोग बना रहे थे CH2 अल्टरनेट डबल बॉन्ड था। तो देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड अगर है तो आप सोचिए तो वो पाई बॉन्ड बना कैसे होगा। तो भाई इस वाले कार्बन का एक ऑर्बिटल होगा अनहाइब्रिडाइज्ड, इस वाले कार्बन का एक ऑर्बिटल होगा, इस वाले कार्बन का एक ऑर्बिटल होगा, इस वाले कार्बन का एक ऑर्बिटल होगा, सब पे एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो देखिए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, ये पाई बॉन्ड का यहां फॉर्मेशन किया था, ये दोनों लेटरली ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखो रेजोनेंस में होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां पे, चूंकि एक ही प्लेन में है ना, सारे एक ही साइड में है, ऐसा थोड़ी ना कि इधर इलेक्ट्रॉन हो एक उधर हो तो फिर बंटवारा में दिक्कत होगा। ये आप समझ सकते हैं कि एक ही साइड में कमरे हैं, एक एक कमरा लगा हुआ है, आप आराम से अपने पड़ोसी के यहां जा सकते हैं, वो अपने पड़ोसी के यहां जा सकते हैं, अगर एक साइड में कमरा रहे तो। अब एक का दरवाजा इधर है, एक का एक कमरे का दरवाजा उधर से है, अब यूं घूम के थोड़ी ना कोई जाता, ठीक है। तो एक ही साइड में, एक ही प्लेन में ये सारे हैं, एक ही प्लेन में हैं, तो आसानी से डिलोकलाइज हो सकते हैं, एक दूसरे के पास चले जाते हैं। कैसे? तो ये इलेक्ट्रॉन का मान लो आपने ट्रांसफर यहां पे कर दिया, तो देखिए तो एक स्ट्रक्चर जो बन रहा है इसका, वो कैसा बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये तो लेटरली ओवरलैप करके बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब यहां पर देखिए कंडीशन क्या हो जाएगा, इस वाले ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए और ये हो गया वैकेंट, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो पहला जो स्ट्रक्चर बनाए थे हम लोग 1,3-ब्यूटाडाइन का, वो यही तो था, एक जगह दो इलेक्ट्रॉन हो गए और एक जगह जो है ना वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, तो वहां पॉजिटिव चार्ज हो गया और जहां पे दो इलेक्ट्रॉन हो गए वहां पे माइनस चार्ज हो गया, यही तो पहला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर था हमारा। फिर दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा था, तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि फिर ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां पे होता है, इसका ट्रांसफर यहां पे हो जाता है और इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां पे हो जाता है। तो देखिए तो स्थिति क्या है, स्थिति बन जाएगी हमारी ऐसी, CH2 ये वैकेंट ऑर्बिटल रह गया पॉजिटिव चार्ज, फिर देखिए CH के पास एक इलेक्ट्रॉन, फिर इस CH के पास भी एक इलेक्ट्रॉन और इस CH2 के पास दो इलेक्ट्रॉन है, ये कंडीशन हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लैटरली ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, तो फाइनली यहां पे हम लोग ऐसे ही लिखेंगे ना, CH2 वैकेंट ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज, CH जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो दो बॉन्ड हो गए, फिर CH2 इस पे दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहां पे माइनस चार्ज, ठीक है। तो ऐसे मूवमेंट होता है इनका और ये एक ही साइड में है इसलिए आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करते जाते हैं और डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते चले जाते हैं। तो अगर ऐसा कॉन्जुगेटिव सिस्टम नहीं होता तो डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना। ये कॉन्जुगेटिव सिस्टम है, एक ही तरफ सारे ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना, तो आसानी से लेन देन इलेक्ट्रॉन का कर सकते हैं। अगर जो है अड़ोस पड़ोस में दरवाजा होता है तो देखो भाई पड़ोसी से कोई भी सामान लेने में बड़ा आसानी होता है, तुरंत हाथ फैलाया भैया चाय पत्ती नहीं है दे दो। तो इसका भी यही बात है कि अड़ोस पड़ोस में सारे एक ही साइड में हैं, इसलिए क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो इसी फिनोमिनन को हम लोग कह देते हैं रेजोनेंस, जिसमें डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए एक टाइप का हमने पढ़ा कॉन्जुगेटिव सिस्टम, जहां पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट होगा उसको हम लोग कहेंगे कॉन्जुगेटिव सिस्टम और वहां पे रेजोनेंस होती है। सेकेंड देखिए कॉन्जुगेटिव सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड अल्टरनेट, जहां पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड अल्टरनेट होगा उसको भी हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेटिव सिस्टम। जैसे CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल दिया गया है, ये नेगेटिव चार्ज है ना, याद रखिए कहीं भी माइनस चार्ज का क्या मतलब होता है, माइनस चार्ज का मतलब होता है लोन पेयर। भाई माइनस चार्ज क्यों आता है, तो पहले कोई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, मान लीजिए यहां पे पहले हाइड्रोजन होता तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, एक कार्बन का होता एक हाइड्रोजन का होता,
होता ना, तो होता क्या है कि हाइड्रोजन जो होता है उस जगह से लीव कर जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, यानी हाइड्रोजन लीव करता है H प्लस के रूप में लीव करता है और अपना इलेक्ट्रॉन वहां पे छोड़ जाता है। तो हुआ कि नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा इक्विवेलेंट टू वन लोन पेयर होता है। तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट आपको ध्यान देना होगा कि वन नेगेटिव चार्ज जो होता है, चार्ज इक्विवेलेंट टू वन लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज हमेशा इक्विवेलेंट टू वन लोन पेयर के बराबर होगा, यानी कि ये इक्विवेलेंट किसके है, लोन पेयर के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कॉन्जुगेशन होता है, ये बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यहां माइनस यहां प्लस। जैसे ही लोन पेयर के बगल में प्लस चार्ज आएगा ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। कैसे, तो प्लस चार्ज आया तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके क्या बना लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। तो इसका जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा स्ट्रक्चर आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। ठीक है, इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो इसका ऐसे ही ना बनाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे घुमा दिया और ऐसे ब्रैकेट दे दिया और यहां पे माइनस चार्ज लगा दिया, यानी इसका माइनस जो है वो भी घूम रहा है, माइनस भी घूम रहा है। तो देखिए पूछा जाए कि इसमें इस मॉलिक्यूल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, इस वाले मॉलिक्यूल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपके दिमाग में तो हमेशा यही रहता है कि भाई पाई बॉन्ड जहां बना हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ तो एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड जो बना हुआ है वही तो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो जितना पाई बॉन्ड होगा उसी का दुगना क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो आप सीधा सीधा बता देंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, दो यहां पर है, मगर यह भी तो पाई इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि जो डिलोकलाइज करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन डिलोकलाइजेशन प्रोसेस कॉल्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिए हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन डिलोकलाइजेशन प्रोसेस treated as pi electron, उसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, pi electron ट्रीट करते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में पूछ दिया जाए नंबर ऑफ pi electron कितना है, तो देख लीजिए ये तो कॉन्जुगेटिव सिस्टम है ना, ये तो डिलोकलाइजेशन, कॉन्जुगेटिव सिस्टम में अगर लोन पेयर या pi electron रहेगा तो वो क्या करेगा, डिलोकलाइजेशन प्रोसेस में भाग लेगा। तो नंबर ऑफ pi electron यहां पे कितना हो जाएगा, हम कहेंगे इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटल दो यहां पर है और दो यहां पर है, यानी कि कितना हो जाएगा, 4। अगर ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जाए, ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जाए और पूछा जाए भाई इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप आसानी से बता सकते हैं इसमें कि भाई दो ही पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहां तो कोई कॉन्जुगेशन है नहीं ना, सिर्फ पाई बॉन्ड एक प्रेजेंट है, सिर्फ एक सिग्मा है एक पाई बॉन्ड है। तो इसमें आप क्या बताएंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट देखिए इसमें, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताइए यहां माइनस चार्ज है, ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और पूछा जाए यहां माइनस चार्ज है, ठीक है ना, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ऐसे पूछा जाए तो आप यहां पर यह कहेंगे, आप यहां पे इस तरह से बताएंगे
भाई हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं? हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है ना, ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम लोग। तो ये बताइए कि ऐसा आपको रिकॉल करा देते हैं, याद ही होगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर दो होता है तो हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर तीन होता है तो कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर चार होता है तो हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली यही तीन हाइब्रिडाइजेशन से मतलब होता है हम लोगों को कार्बन में, ठीक है ना। तो यहां पर आप काउंट कर लेंगे, तीन सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर हो गया, नेगेटिव चार्ज किसके इक्विवेलेंट है, लोन पेयर के इक्विवेलेंट। तो आप कहेंगे एक दो तीन सिग्मा बॉन्ड हो गए और लोन पेयर कितना हो गया, वन हो गया, यानी चार हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ। तो आप कहेंगे ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। सेम हाइब्रिडाइजेशन यहां भी निकालेंगे तो आप कहेंगे 1 2 3, थ्री सिग्मा बॉन्ड हो गया इस कार्बन का थ्री सिग्मा बॉन्ड हो गया, कहेंगे ना। और लोन पेयर भी यहां पर है, नेगेटिव चार्ज यानी कि एक लोन पेयर है, मगर क्या ये लोन पेयर है, इज इट लोन पेयर? तो लोन पेयर हमेशा लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर हमेशा कैसा इलेक्ट्रॉन होता है, लोकलाइज्ड, डिलोकलाइज्ड नहीं। और ये इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में आ गया तो ये डिलोकलाइज करेगा, तो ये हम कह सकते हैं ये डिलोकलाइज्ड ठीक है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये डिलोकलाइज्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इस डिलोकलाइज्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ट्रीटेड एज पाई इलेक्ट्रॉन, इसको क्या करते हैं हम लोग, ट्रीट एज पाई इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या बनाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, इट इज लोकलाइज्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तब इसको हम लोग क्या कह देंगे, इट इज इक्विवेलेंट टू लोन पेयर, ये क्या कहलाएगा, लोन पेयर कहलाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में भाग लेगा वो कैसा इलेक्ट्रॉन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होता है। और जो डिलोकलाइजेशन प्रोसेस में भाग नहीं दे, एकदम लोकलाइज्ड हो, एकदम स्थिर रहे वो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर। तो ये लोन पेयर हुआ नहीं, तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड कितना बन रहा है, इसमें तीन ही बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, यानी यहां पे हाइब्रिडाइजेशन जो बताना है वो हाइब्रिडाइजेशन हम क्या बताएंगे, sp2, बिकॉज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो जा रहा है, थ्री हो जा रहा है, और लोन पेयर जीरो, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आ गया, थ्री, थ्री का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2। अच्छा ये बताइए कि ये कॉन्जुगेशन हम लोग मान क्यों रहे हैं, अगर sp2 है तभी तो प्लेनर है, तभी तो कॉन्जुगेशन का काम कर पाएगा ये। और याद रखिए कि डिलोकलाइज वही इलेक्ट्रॉन होता है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होता है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा ना वो डिलोकलाइजेशन नहीं करेगा। जैसे यहां वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पे है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो वो डिलोकलाइजेशन में भाग नहीं लेगा। और यहां sp2 होने का मतलब क्या है, कार्बन जो होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहा है, इसका मतलब एक ऑर्बिटल क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है उसका, और उसी में ये माइनस चार्ज है, इसी वजह से वो डिलोकलाइज कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये कंसेप्ट है आपका, कॉन्जुगेटिव सिस्टम में नेगेटिव चार्ज अगर रहेगा तो क्या होगा, तो दूसरा हो गया। थर्ड में हम लोग आते हैं, थर्ड कॉन्जुगेटिव सिस्टम जो है लोन पेयर डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेट है, लोन पेयर डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, जैसे NH2 ये लोन पेयर हो गया,
ये डबल बॉन्ड हो गया अल्टरनेट। देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये इधर शिफ्ट किया, डिलोकलाइज होगा, माइनस बनाएगा यहां प्लस बनाएगा, ये लोन पेयर यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा हमारा वो यही बनेगा ना, सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू माइनस, और ये लोन पेयर डिलोकलाइज हो रहा है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ऐसे भी नाइट्रोजन ने चार बॉन्ड बनाना होता है तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज तो आना ही है, इसलिए उसका लोन पेयर ही इन्वॉल्व होके, ठीक है ना, उसका जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही इन्वॉल्व होके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब फिर से यहां पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो आप कितना बोलेंगे, दो और दो चार। मगर यही बात अगर ऐसे पूछ दिया जाए, ऐसा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप क्या बता देंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जीरो बता देंगे कि नहीं बता देंगे। भाई इसमें डबल बॉन्ड नहीं है ना, सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर है, लोन पेयर तो पाई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है जब तक वो कॉन्जुगेशन में ना हो, ठीक है। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाए कितनी है, तो आप कहेंगे तीन सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, एक लोन पेयर, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, sp3 बता देंगे। और पूछ दी जाए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप कैसे बताएंगे, देखिए भाई तीन सिग्मा बॉन्ड तो दिखाई दे रहा है ना, दो हाइड्रोजन हो गए और एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, तीन सिग्मा बॉन्ड हो गया, और ये तो लोन पेयर नहीं है ना, ये तो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि तीन अगर इसके सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी तीन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp2। इज इट क्लियर। थर्ड पॉइंट हमारा था ये, फोर्थ पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड अल्टरनेट। अगर ये कंडीशन भी होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटिव सिस्टम कहेंगे, कॉन्जुगेटिव सिस्टम कहेंगे। देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, प्लस जो है डिलोकलाइज होके उधर चला गया। हालांकि दोनों एक ही तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इनको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये एक ही तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमेशा पॉजिटिव चार्ज की पाई बॉन्ड के साथ दूरी बराबर ही है, इक्विवेलेंट टाइप के, ठीक है। फाइव नंबर, पांचवा नंबर, ऑड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड अल्टरनेट, ऑड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड अल्टरनेट, ये ऑड इलेक्ट्रॉन बना दिया, इसको लिख देते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड अल्टरनेट। देखिए इसमें भी रिजोनेंस होगा, ठीक है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहां पे देखिए बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, यू बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और जो है ना ऐसे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एक एरो इधर भी लगा देते हैं, चूंकि ऑड इलेक्ट्रॉन मिलके ही बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं ये, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा हमारा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, और सी एच टू यहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब समझ रहे हैं, ये जो है बॉन्ड टूटा और ऑड इलेक्ट्रॉन यहां, ऑड इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन यहां का ऑड इलेक्ट्रॉन यहां का ऑड इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके क्या बना देगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दैट, ठीक है। छठा में सिक्स डबल बॉन्ड
ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट, अल्टरनेट यहां भी रेजोनेंस हो सकता है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है इस तरह से। अब देखिए इसमें भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यहां भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है भाई, ये इधर शिफ्ट करा देंगे या इसको यहां पे बॉन्ड बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा सी एच टू माइनस सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये भी कॉन्जुगेशन हुआ। तो हमने छह पॉइंट पढ़े, एक पॉइंट और है सेवेंथ, सेवेंथ पॉइंट कि अगर पॉजिटिव चार्ज अल्फा पोजीशन पर हो, किसके लोन पेयर के, इफ इफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन मतलब बगल होता है, पोजीशन ऑफ लोन पेयर, तो ये भी कॉन्जुगेटिव सिस्टम है। जैसे देखिए ओ एच सी एच टू प्लस, ये रहा लोन पेयर और ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये डिलोकलाइज कर जाएगा ऐसे, और देखिए अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बना देगा वो इस तरह से, और प्लस, तो यहां भी रेजोनेंस है, ठीक है। तो इतना सारा जो होता है कॉन्जुगेटिव सिस्टम होता है, और कॉन्जुगेटिव सिस्टम में हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। देखिए तीन पॉइंट तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेजोनेंस के बारे में, चौथा पॉइंट में कॉन्जुगेटिव सिस्टम था, और फिफ्थ पॉइंट में यहां पे हमने पढ़ना है कि रेजोनेंस में क्या क्या होता है, रेजोनेंस होने के बाद जहां पे रेजोनेंस होता है वहां क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो एक तो आपने देख लिया कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो रहा है, और कुछ चेंजेस हैं जैसे जहां पर रिजोनेंस होगा मॉलिक्यूल हैविंग रिजोनेंस देन बॉन्ड लेंथ ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड डिक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेस because single bond occupies double bond character and डबल बॉन्ड ऑक्यूपाइज सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, इस बात को आप समझ रहे होंगे कि जब भी रिजोनेंस होता है तो आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है, और जो डबल बॉन्ड है उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है डिस्प्लेसमेंट की वजह से, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ऐसे जनरल में
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है, ठीक है ना। मगर जब रेजोनेंस होता है तो उस केस में बॉन्ड लेंथ सबका बराबर हो जाता है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट एटम जितने भी होंगे उनका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लाइक ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये बेंजीन है। देखिए कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड होता है तो इसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ये बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, यहां बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए यहां पर सिंगल बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, मगर रेजोनेंस की वजह से सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो बॉन्ड लेंथ बेंजीन में देखेंगे ना, सीसी बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन जहां पर रेजोनेंस है, ये सब का इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो आप देख रहे हैं रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से यहां पर जो बॉन्ड लेंथ बन रहा है डबल बॉन्ड का, ना बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड के बराबर रह रहा है ना सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड के बराबर रह रहा है, सब एक कॉमन बॉन्ड लेंथ पे पहुंच जा रहे हैं जहां रेजोनेंस है, जो किसके बराबर है 1.39 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। तो देखिए डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना हो गया 1.34 और उससे बढ़ के कितना हो गया ये 1.39, और ये सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना था 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये घट के कितना हो गया 1.39। यानी कि हमने जो स्टेटमेंट लिखा उसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जहां भी रिजोनेंस होगा सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ घट जाता है और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एप्लीकेशन में हम लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl ऐसा दे दिया हमने, ये देखिए कितने लोन पेयर हो गए क्लोरीन पे, 3 लोन पेयर हो गए। अब एक हमने ऐसा दे दिया, ऊपर में देखिए बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है y एंगस्ट्रॉम, ए वाले में y एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है और बी वाले में x एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। पूछा जाए कि ये बताइए कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा है, जबकि स्ट्रक्चर में दोनों का दोनों सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, स्ट्रक्चर में दोनों का दोनों सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है, तो कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो आप तो कहोगे भाई कंसेप्ट तो हमको पता है, यहां पर रिजोनेंस है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां तो रिजोनेंस है, यहां तो कुछ नहीं है, कोई रिजोनेंस नहीं है, और जहां रिजोनेंस होता है सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है घट जाता है और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, तो यहां सिंगल बॉन्ड की बात की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स एंगस्ट्रॉम ये ऑलवेज ग्रेटर देन किसके होगा, वाई एंगस्ट्रॉम के होगा, ये जो होगा वाई एंगस्ट्रॉम से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, एक एंगस्ट्रॉम, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस तो हो ही नहीं रहा है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ नहीं घटेगा, जो एब्सोल्यूट बॉन्ड लेंथ है उतना ही रहेगा, मगर जैसे ही रेजोनेंस होगा सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ घट जाना है, तो यहां पर ये आंसर आ जाएगा। अच्छा इसी में एक बात और नोटिस करना है, यहां पर तीन तीन लोन पेयर है, तीन लोन पेयर है, ठीक है, तो तीन लोन पेयर हैं, तो क्या तीनों लोन पेयर डिलोकलाइजेशन प्रोसेस में जाएंगे? नहीं। अगर एक से ज्यादा लोन पेयर कॉन्जुगेटिव सिस्टम में प्रेजेंट हो और सिंगल एटम पर जुड़े हो, ओनली वन लोन पेयर टेक्स पार्ट इन डिलोकलाइजेशन प्रोसेस, नॉट ऑल लोन पेयर, सारे लोन पेयर नहीं जाएंगे, सिर्फ एक लोन पेयर जो है वो डिलोकलाइजेशन में जाएगा, क्योंकि दो लोन पेयर कहां रहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेंगे। ऐसे नॉर्मल में यहां पे क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन बताई जाए
तो आप कहेंगे सीधा sp3, कहेंगे कि नहीं? देखिए, तो लोन पेयर तीन है और एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए? चार हो गए। तो चार हाइब्रिड का मतलब क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो। मगर यहां पर देखिए, ये तो कॉन्जुगेटिव सिस्टम है ना, तो यहां पर क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। तो sp2 होगी, तो ऑब्वियस सी बात है sp2 में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं? तीन ऑर्बिटल होते हैं हाइब्रिड। तो एक ने तो सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो लोन पेयर रहेंगे, एक जो लोन पेयर है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है वही तो डिलोकलाइजेशन प्रोसेस में भाग लेता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट एक बन गया, ये कॉन्सेप्ट भी बन गया, इसको लिख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बना हमारे पास कि व्हेन मोर देन वन लोन पेयर, मोर देन वन लोन पेयर प्रेजेंट एट सिंगल एटम एंड फॉर्म्स कॉन्जुगेशन, एंड फॉर्म्स कॉन्जुगेशन, विथ डबल बॉन्ड, देन ओनली वन लोन पेयर टेक्स पार्ट इन डिलोकलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है, अगर ऐसा हम दे दें, इस तरह से एक कॉन्जुगेटिव सिस्टम बना के दे दें और पूछा जाए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप क्या बताएंगे कि भाई नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसमें, दो यहां पर है और दो यहां पर है, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बताएंगे। ये नहीं कि आप बता देंगे कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, इसमें क्या बताएंगे कि भाई दो, ठीक है ना, दो लोन पेयर में से सिर्फ एक लोन पेयर जो है वही डिलोकलाइजेशन प्रोसेस में जाएगा, सो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विल बी 4। ठीक है, एक आधी इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बाद में जाके अप्लाई करेंगे आप। अब जैसे हमने ले लिया पायरिडीन, दिस मॉलिक्यूल इज पायरिडीन, ये मॉलिक्यूल है पायरिडीन। ठीक है, ये ना प्लेनर मॉलिक्यूल है, इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। मगर यहां पर देखिए, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछा जाए कितना है, तो आप तो कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। आप कंफ्यूजन में इसलिए पड़ जाएंगे कि आप तो कहेंगे अरे भाई तीन पाई बॉन्ड तो यही दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 6 लोन पेयर तो हो गए, और ये भी तो कॉन्जुगेशन फॉर्म कर रहा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी तो हुआ। नहीं, यहां पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मात्र 6 हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ 6 हैं। हमेशा दिमाग में रख लीजिए, ये वाला नाइट्रोजन जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे वो sp2 है, और sp2 है तो देखिए, तो ये पाई बॉन्ड तो बनता है किससे? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है ना पाई बॉन्ड, तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो इसका पाई बॉन्ड बना लिया है। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड देखिए, 1, 2 और ये 3, लोन पेयर भी कहां पे है? यहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर रहेगा तो डिलोकलाइजेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, तब वो डिलोकलाइजेशन में नहीं जाना है उसको। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ये बात, ये कंसेप्ट के रूप में लिख सकते हैं कि इफ लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड बोथ आर
at same position and forms conjugation then only double bond can take part in delocalization process not lone pair. लोन पेयर कभी डिलोकलाइजेशन प्रोसेस में नहीं जाएगा. कौन जाएगा? सिर्फ डबल बॉन्ड डिलोकलाइजेशन प्रोसेस में, डबल बॉन्ड वाला पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन प्रोसेस में जाएगा. तो ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं रेजोनेंस के, जिनको आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, जिनको ध्यान में आपको रखना है. नेक्स्ट है एक पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो पॉइंट ये है कि जिस मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका यूज करना है आपको, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर directly proportional to stability of molecule or group. जिसका जितना ज्यादा resonating structure होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? stable होगा. अब जैसे आपको दे दिया जाए ये, दे दिया जाए, फिर दे दिया जाए ये, दे दिया जाए, फिर दे दिया जाए ऐसा, ये दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए कि कौन ज्यादा स्टेबल है, विच वन इज मोर स्टेबल. तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उतना कष्ट क्यों उठाना भाई कि बार बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़े. तो भाई इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेंगे, यहां प्लस बनाएंगे, फिर इसको शिफ्ट करेंगे, यहां प्लस बनाएंगे, फिर इसको सिस्टम शिफ्ट करेंगे, यहां पर प्लस बनाएंगे. तो इतना बार बार तो जद्दोजहद करने की कोई जरूरत नहीं है. आप सीधा सीधा कॉन्जुगेशन पॉइंट काउंट कर लीजिए, किसका किसका कॉन्जुगेशन, कितने नंबर ऑफ कॉन्जुगेशंस हैं. तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेशंस काउंट कर लेने हैं आपको. और हमेशा याद रखिए नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन जो होता है उसको कॉन्जुगेशन पॉइंट भी कह सकते हैं हम लोग. नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. जनरली क्या होता है कि जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन पॉइंट होगा ना उतना ही हम लोग ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं. तो देखिए कॉन्जुगेशन पॉइंट यहां पे कितने हैं, कॉन्जुगेशन पॉइंट कैसे आपने लेना है. एक पॉजिटिव चार्ज है, ये किसके साथ कॉन्जुगेशन में है? डबल बॉन्ड के साथ, है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज. तो ये कॉन्जुगेशन किसके साथ है? इसके साथ है. तो दो कॉन्जुगेशन पॉइंट बने. फिर डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन किसके साथ है? इस डबल बॉन्ड के साथ. ठीक है, फोर कॉन्जुगेशन पॉइंट इसमें प्रेजेंट है. तो यहां पे फोर कॉन्जुगेशन पॉइंट है. आप समझ रहे होंगे कैसे लिया जा रहा है, प्लस का डबल बॉन्ड के साथ, फिर डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ, फिर डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ. तो चार पॉइंट हैं कॉन्जुगेशन के इसमें, मतलब कौन कौन किसके साथ कॉन्जुगेशन में है ये काउंट कर लेना है.
तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन पॉइंट काउंट करने के लिए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड वही काउंट कर लेना है, ठीक है। यहां पर देखिए कॉन्जुगेशन पॉइंट कितना, एक और दो, बस इन्हीं के बीच में कॉन्जुगेशन पॉइंट है ना, तो कॉन्जुगेशन पॉइंट कितने हो गए, दो हो गए। यहां पर देखिए तो एक पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक कॉन्जुगेशन ये हो गया, मतलब ये दोनों मिलके दो हो गए और इसका इसके साथ हो गया तो तीन हो गया, तो यहां पे कॉन्जुगेशन पॉइंट कितने हो गए, थ्री हो गए, ठीक है। तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन पॉइंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और उतना ही स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो अगर हमने इसको ए बोला, इसको बी बोला और इसको सी बोला, तो स्टेबिलिटी जो होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो हम कैसे लेंगे, यहां पे ए सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया, ठीक है। कॉन्जुगेशन पॉइंट काउंट करके हम लोग बता देंगे। अब देखिए ऐसे ही आपको हम कार्बोकटायन दे दे रहे हैं या कार्बनायन दे दे रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे बना दिया, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी। अब इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बता देना है। तो वैसे ही कॉन्जुगेशन पॉइंट काउंट कर लेने हैं आपको। देखिए यहां पे कॉन्जुगेशन एक, तीन तो यहां पे हो गए, तीन तीन छः, तीन नौ, एक दस, दस कॉन्जुगेशन पॉइंट हो गए। यहां पर कितने हो जाएंगे, सेवन कॉन्जुगेशन पॉइंट हो जाएंगे। यहां पे कितने हो रहे थे, फोर कॉन्जुगेशन पॉइंट हो रहे थे। तो देख लीजिए सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका होगा, ए का, फिर बी का, फिर सी का। तो यहां स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या लिख देंगे हम लोग, ए का सबसे ज्यादा, उसके बाद बी का, फिर सी का। मेरा ख्याल है इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन काउंट कर लेंगे, उसके बाद स्टेबिलिटी बता देंगे। और स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए और भी कई बातें होती हैं, ठीक है ना, रिजोनेंस और भी आगे चलेगा, और भी हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड और एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, एंटी एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, जिसकी वजह से भी स्टेबिलिटी बताया जाता है, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। Register on our website edurizeindia.com to join our live classes.